कस्बे में रात्रि में दोस्त ने दोस्त को गोली मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार घायल देवेंद्र यादव की मां प्रेमलता ने बताया कि मेरे पुत्र देवेंद्र यादव को उसके ही दोस्त ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पूर्व में भी दो बार हमले हो चुके हैं, पुलिस को सूचना देने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं घायल को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। मैं जा चुकी, पुलिस वालों ने कोई हादसा नहीं सुना, अभी भी उल्टे सीधे जवाब सुन रहे हैं। आज कहाँ हुई है ये घटना? हसारी में। अच्छा, तो इसमें किस पे क्या शक जा रहा? अरे नहीं, के दोस्त हैं रवि। हाँ। और एक और था, दूसरा था, देखे कहा है हमने कि हम तो मंदिर से आए थे, तो हमने कहा कि नहीं मंदिर हमें तो मालूम नहीं, अभी इसको उठा होगा निकल गया तो चले गए। अच्छा, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करी। तीन बार, दो बार हो चुका। थाना क्षेत्र प्रेम नगर के हसारी कस्बे में देवेंद्र यादव को गोली मारने की सूचना इनके द्वारा दी गई थी, जिसपे इनको जिला चिकित्सालय में भर्ती इन्हीं के परिजनों के द्वारा कराया गया था। वहां से रेफर होकर के ये मेडिकल कॉलेज में इनका इलाज इस समय चल रहा है। इनके द्वारा पहले भी ऐसी दो बार सूचना दी जा चुकी है। प्रथम दृष्टया ये घटना क्रिएटेड लग रही है। इसके अलावा हम लोग अभी सारे टेक्निकल एविडेंस और जो इनको जिन पे आरोप